और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कंगना ने आवाज उठाई थी, लेकिन अब यह लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो गई है। संजय राउत और कंगना रनौत में ट्विटर पर वॉर जारी है। इस बीच बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया और अब बीएमसी की नजर कंगना के घर पर है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने बीएमसी से जवाब तलब किया है कि कार्रवाई करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की। बीएमसी को इसका जवाब आज हाईकोर्ट में देना होगा। लेकिन दफ्तर तोड़े जाने से तिलमिलाई कंगना महाराष्ट्र सरकार को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन सबको बेपर्दा करके रहूंगी। हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब आर पार की लड़ाई बन गई है। बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं अब नगर पालिका ने कंगना के घर पर टेढ़ी नजर डाल दी है। बीएमसी ने कोर्ट इलाके में याचिका देकर खार इलाके में बने कंगना के फ्लैट में 8 अवैध निर्माण गिनाए हैं और उसे तोड़ने की इजाजत मांगी है। बीएमसी का आरोप है कि कंगना ने साल 2018 में अपने घर में कई बदलाव किए। कंगना के फ्लैट्स में 8 बदलाव किए गए। सारे बदलाव बीएमसी के नियम को तोड़कर किए गए। बीएमसी का कहना है कि उसने 2 साल पहले कंगना रनौत को एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि घर में गलत तरीके से रिनोवेशन का काम हुआ, ये नियमों का उल्लंघन है। तब कंगना ने सिटी सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया था। अब बीएमसी ने इस मामले में कैवियट फाइल किया है। बीएमसी ने कहा है कि स्टे ऑर्डर को रद्द किया जाए, हमें तोड़ने की इजाजत दी जाए। ये खबर जैसे ही कंगना के कानों तक पहुंची, कंगना भड़क गई। उन्होंने फौरन ट्वीट कर उद्धव ठाकरे के साथ फिल्म मेकर करण जौहर को भी निशाने पर ले लिया और जमकर आग उगली। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, आओ उद्धव ठाकरे और करण जौहर गैंग, आप लोगों ने पहले मेरा दफ्तर तोड़ा, फिर घर तोड़ दो, इसके बाद मेरा चेहरा और मेरे शरीर को भी तोड़ दो। आप क्या कर रहे हो ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं सबको बेपर्दा करके रहूंगी। हालांकि कंगना के वकील ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से तोड़फोड़ पर स्टे ले लिया है। इस मामले में आज दोपहर 3 बजे सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण को गिराने में जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है, लिहाजा बीएमसी आज कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश करेगी। कंगना और शिवसेना का पंगा बढ़ता देख शरद पवार भी एक्शन में आ गए हैं। बीएमसी की कार्रवाई को लेकर शरद पवार नाराज बताए जा रहे हैं। नाराज शरद पवार ने मामले को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के साथ 45 मिनट तक बैठक की और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर एहतियात बरतने की सलाह दी।